बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का चंद्रपुर दौरा अब विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल सोमवार को अपने चंद्रपुर दौरे के दौरान वह सैयद बेहबतुल्ला शाह दरगाह में गए और वहां उन्होंने चादर भी चढ़ाई। जेपी नड्डा द्वारा दरगाह में चादर चढ़ाने और जाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इन्हीं तस्वीरों के जरिए महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी को भी बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। अब तक बीजेपी महाविकास अघाड़ी को सेकुलर विचारधारा, हिंदुत्व विरोधी मानसिकता के नाम पर निशाना बनाती थी। बता दें कि सोमवार को जेपी नड्डा एक दिन की विजिट पर लोकसभा प्रवास योजना के उद्घाटन के लिए चंद्रपुर में आए थे। इस दौरान उन्होंने विदर्भ के चंद्रपुर जिले का दौरा किया, वहां एक सभा को भी संबोधित किया और राज्य के कई नेताओं के साथ मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा भी लिया। चंद्रपुर दौरे के बाद जेपी नड्डा औरंगाबाद भी गए। उद्धव गुट के शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे ने बताया कि जिस तरह से जेपी नड्डा ने चंद्रपुर की दरगाह में जाकर चादर चढ़ाई, उससे ये साफ हो गया है कि बीजेपी खुद मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति पर चल रही है। हालांकि वो अपना असली रूप कभी भी जनता के सामने नहीं आने देती। ये बात हमेशा से सिद्ध होती रही कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। बीजेपी खुद को हिंदुओं का रहनुमा बताती है और हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन पर्दे के पीछे मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति का गंदा खेल खेला जा रहा है। वहीं इस मुद्दे पर मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप का कहना है कि बीजेपी का ये पुराना दस्तूर है जिसे अब जनता धीरे धीरे समझ रही है। इस साल देश के कुछ राज्यों में चुनाव है, इसकी वजह से जेपी नड्डा को दरगाह में भी जाना पड़ रहा है। हालांकि उनकी पार्टी हमेशा से हिंदुत्व की बातें करती आ रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब जेपी नड्डा अपने गृह प्रदेश में इज्जत नहीं बचा सके तो फिर उनका ये हथकंडा भी काम नहीं आएगा। जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जनता का प्रतिसाद मिला है, उसे कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खौफ है और ये सब उसी का नतीजा है। वहीं एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश तबासे ने बताया कि अगर दरगाह में जाकर जेपी नड्डा को सर्वधर्म स्वभाव की भावना समझ में आ रही है तो हम इसका स्वागत करते हैं। हालांकि बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार भी किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।